मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असदुल खान ठाकुर है। मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ और बलान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल में एज ए रूमेटोलॉजिस्ट काम करता हूँ। आज हम बहुत अहम बीमारी गाउट या यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। गाउट, जिसे आम इस्तेलाह में यूरिक एसिड की बीमारी भी कहते हैं, ये जोड़ों की एक पेचीदा बीमारी है। इसमें मरीज के एक या एक से ज़्यादा जोड़ों में एकदम से बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाता है और वो जोड़ सूज जाता है, शदीद दर्द होता है उसमें और वो सुरख हो जाता है। ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि मरीज़ उस वक्त उस जोड़ पर एक कपड़े जैसी वज़न भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, यूरिक एसिड बजाते ख़ुद कोई बीमारी नहीं है, ये इंसानी जिस्म में प्रोटीन या लहमियात के टूटने से बनता है। ये यूरिक एसिड फिर गुर्दों से होता हुआ पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। बाज़ औक़ात इंसानी जिस्म या तो ये यूरिक एसिड प्रॉपरली गुर्दों के जरिए बाहर निकाल नहीं पाता, या फिर कुछ कंडीशंस में ये यूरिक एसिड जिस्म में बहुत ज़्यादा बन जाता है। इंसानी जिस्म में यूरिक एसिड की मकदार बढ़ जाती है या इंसानी जिस्म के इंसानी खून में यूरिक एसिड की मकदार बढ़ जाती है। कुछ अफराद में जिनमें यूरिक एसिड मकदार बढ़ जाती है, ये यूरिक एसिड सुई नुमा क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाती है। ये क्रिस्टल्स फिर जोड़ में जमा हो जाते हैं और वहाँ पर सूजन या जोड़ की तकलीफ पैदा करते हैं। गाउट बयक्त वक्त जोड़ों और गुर्दों की बीमारी है। गुर्दों में ये गुर्दों की पथरी करा सकती है, इसके अलावा ये गुर्दों की दायमी खराबी का सबब बन सकती है, जिसे हम CKD कहते हैं, जिससे मरीज़ खुदा ना खासा अगर बहुत लंबे अरसे पर रहे तो डायलिसिस वगैरह पे जा सकता है। जोड़ों में ये हमलों की सूरत में आता है, यानी मरीज़ को एकदम से एक शदीद जोड़ में हमला आ जाता है, उस शदीद दर्द शुरू हो जाता है जो 2 से 3 हफ्ते तक रहता है। शुरू के 2-3 दिनों में दर्द बहुत शदीद होता है, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता दवाइयों से कम हो जाता है। मरीज़ को इस तरह के हमले शुरू में तो साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आ सकते हैं, लेकिन अगर इसका प्रॉपर इलाज ना हो तो फिर ये और तेज़ तेज़ आने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनको साल में 3 से 4 दफ़ा ये हमले आ सकते हैं। गाउट हमले भी कराता है और इसके साथ साथ ये जोड़ में ख़राबी भी पैदा कर सकता है, जिससे मरीज़ के जोड़ टेढ़े और नाकारा हो सकते हैं। अच्छा, यूरिक एसिड की बीमारी या गाउट की सबसे अहम वजह खून में यूरिक एसिड का मुसलसल बढ़ा हुआ रहना है। खून में यूरिक एसिड बढ़ने की वजूहत कई है, जिसमें कुछ ऐसी है जिन्हें हम अपने लाइफ स्टाइल के ज़रिए तब्दील कर सकते हैं। इनमें सबसे अहम ग़िज़ा है, ऐसी ग़िज़ा जो प्योरिन से होते हैं, जो हमारे प्यूरिन या ऐसी प्रोटीन्स जिनके तोड़ फोड़ से यूरिक एसिड बढ़ता है। इनमें बड़ा गोश्त जैसे मटन बीफ आती है, समुद्री हयात जैसे मछलियाँ झींगे बोतले वगैरह, जैसे आजकल मार्केट में डिफरेंट ब्यूरेजेस कोला ब्यूरेजेस होते हैं, ये जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वाली बोतलें। इसके अलावा मिल्क शेक जो बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड हो सकती है, बाज़ार में फास्ट फूड्स जिनमें ख़ास तौर पर ये गुर्दे कलेजी ये इस तरह के जिगर कलेजी गुर्दे वगैरह, ग़िज़ा में बड़ा गोश्त मसलन बीफ मटन समंदरी हयात जैसे मछलियाँ झींगे और बोतले वगैरह जैसे कोक स्प्राइट ड्यू या बाकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स किसी भी नाम से हो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मिल्क शेक वगैरह या मशरूबात जैसे फ्रेश फल की मैं बात नहीं कर रहा बल्कि उनके मशरूबात जैसे मिल्क शेक वगैरह, इसके अलावा फ़ास्ट फूड्स जो बाज़ार में मिलती है बहुत ज़्यादा प्यूरिन रिच होती है, ये हमारी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें हैं जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाती है। इसके अलावा शराब नोशी बियर वगैरह, इससे भी यूरिक एसिड का लेवल बहुत बढ़ सकता है। इसके अलावा ज़्यादा वज़न वाले अफराद, ऐसे अफराद जो मोटापे का शिकार हो, उनके जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। उसकी एक वजह तो यूरिक एसिड का ज़्यादा बनना होता है बिकॉज ऑफ देयर डाइट, दूसरी वजह इनके गुर्दों से यूरिक एसिड प्रॉपरली निकलता भी नहीं है। जेंट्स बहुत अहम है, ये बीमारी मर्दों की बीमारी है। मेरे हिसाब से जेंट्स ये बीमारी मर्दों की बीमारी है, 50 साल से कम उम्र की औरतों में ये बीमारी ना होने के बराबर है। उनमें एस्ट्रोजन की वजह से बहुत कम यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। 50 साल की से ज़्यादा उम्र की औरतों में ये बीमारी औरतों में भी आ सकती है, लेकिन उससे कम या ऐसी ख़वातीन जो अभी तक चाइल्ड बेयरिंग एज में हो, उनमें यूरिक एसिड की बीमारी नहीं होती है। कभी कभार ये बीमारी ख़ानदानों में भी रन कर सकती हैं, जिनमें मुसलसल घर के कई अफराद को ये बीमारी हो सकती है। तो अगर आपके ख़ानदान में किसी को ये बीमारी है
तो आपको भी होने का खदशा है। इसके अलावा कोई रिसेंट ट्रॉमा हो, किसी को कोई हादसा वगैरह हुआ हो, उसको भी ये हो सकता है। और चंद बीमारियाँ हैं जिसमें ये बीमारी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसमें गुर्दों की खराबी, सर फहरिस्त है। इसके अलावा शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़। और अच्छा डॉक्टर, आमतौर पर मरीज़ के अलामात और जोड़ों के मुआयने से गाउट या यूरिक एसिड की बीमारी की तशखीस करते हैं। मरीज़ की अलामत में हमले वाला दर्द हो, कि जैसे एक से दो हफ्ते तक शदीद दर्द हुआ हो और उसके साथ उस जोड़ के मुआयने पे जोड़ सूजन ज़्यादा हो, लाल हो और हाथ लगाने से वो जोड़ गर्म हो, और ख़ास जोड़ हो जैसे अंगूठे में दर्द हो, टखनों, कलाई वगैरह में हो, तो ऐसी अलामत में डॉक्टर आपके गाउट की तशखीस करते हैं। खून में यूरिक एसिड की सतह का टेस्ट गाउट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेस्ट है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड का लेवल ऑल्दो तशखीस में मुआविन होता है, लेकिन अक्सर औकात ये मिसलीडिंग होता है, गलत रहनुमाई करता है। मसलन गाउट के हमले के दौरान यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल हो सकता है, दूसरी तरफ ऐसे कई अफराद जिनका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ हो, उन्हें यूरिक एसिड की बीमारी नहीं होती, उन्हें गाउट नहीं होता। याद रखिए, महज यूरिक एसिड लेवल बढ़ने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको गाउट की बीमारी है। अच्छा, यूरिक एसिड के टेस्ट के अलावा अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन भी इस बीमारी के तशखीस में मुआविन साबित होते हैं। गाउट का इलाज दो लेवल्स में होता है, इसकी दो तरह की दवाई होती है। पहली वो किस्म की दवाई जो गाउट के हमले को के दौरान इस्तेमाल होती है। गाउट का इलाज दो मराहिल में होता है, इसमें दो तरह की दवाएँ इस्तेमाल होती हैं। पहली किस्म की वो अद्वियात है जो गाउट के हमले के दौरान दी जाती है और वो मरीज़ का दर्द कम करती हैं। इस सतह पर या इस लेवल में हम यूरिक एसिड कम करने वाली दवाई नहीं होती, वो बिल्कुल इसमें काम नहीं करती, और कभी कभार वो दर्द बढ़ा भी सकती है। तो हमले के दौरान इस्तेमाल होने वाली अद्वियात में कोल्चिसिन की दवाई, सर फहरिस्त है, इसके अलावा दर्द कुश अद्वियात और स्टेरॉइड्स कभी कभी हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अच्छा, ये और ये अद्वियात हम कम अज़ कम 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करते हैं ताकि मरीज़ में दोबारा हमला ना हो। दूसरी किस्म की अद्वियात गाउट की रोकथाम, गाउट के हमले रोकने और इसके दायमी इलाज के लिए हैं। ये ऐसी अद्वियात होती है जो जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल कम करती है। ये अटैक के कम होने कम से कम 2 से 3 हफ्ते के बाद शुरू की जाती है और ये हर मरीज़ को नहीं दी जाती है। हमारी बहुत मखसूस गाइडलाइंस हैं, बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं इसके बारे में। ये सिर्फ उन मरीज़ों को दी जाती है जिनमें नंबर एक उनका यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा हो, जैसे 9 मिलीग्राम या इससे ऊपर हो। ऐसे मरीज़ जिनको साल में एक या एक से ज़्यादा, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा यूरिक गाउट के अटैक हो चुके हो, ऐसे मरीज़ जिनमें साल में 2 या इससे ज़्यादा गाउट के अटैक हो चुके हो, ऐसे मरीज़ गाउट के मरीज़ के लिए मुफीद और मुज़र खुराक को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ऐसी खुराक जो मरीज़ हसब मामूल ले सकते हैं, इनमें सारी की सारी सब्ज़ियाँ आती है, फ्रूट आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दूध, दही, लस्सी वगैरह, ये मरीज़ बिना किसी झिझक के ले सकता है। ऐसी ग़िज़ा जो मरीज़ हफ्ते में एक दफ़ा ले सकता है, उसमें लोबिया, दालें वगैरह आ जाती हैं। और अगर एक मरीज़ का यूरिक एसिड प्रॉपरली कंट्रोल हो और वो डॉक्टर के ज़ेरे इलाज हो, तो हम ये भी अलाउ कर सकते हैं कि हफ्ते में एक दफ़ा वो चिकन या दुम्बे या बकरे का गोश्त भी ले सकते हैं। ऐसी खुराक जो मरीज़ को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, उसमें बड़ा गोश्त, बीफ आ जाता है, इसके अलावा मछली आ जाती है, फास्ट फूड्स बाज़ार में जितने मिलते हैं, बेवरेजेस जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं जैसे पेप्सी, कोक, ट्यूब, ये बियर वगैरह, ये मरीज़ बिल्कुल। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।